नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, आज हमारे साथ हैं तराई पश्चिमी के DFO कुंदन कुमार जी। कई चीज़ों पर जो चर्चाएं चल रही हैं उनसे आज हम जानने के लिए उनके पास आए हुए हैं। सर, स्वागत है पहले उत्तराखंड की आवाज़ में आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से तबाहतोड़ कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, कुछ रेंज अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है, कुछ फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टरों पर भी कार्रवाई की गई है, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है सर आपके द्वारा? देखिए, यहाँ पे कुछ मुखबिरों से शिकायत मिल रही थी कि जो हमारा काशीपुर रेंज है वहाँ से उपखनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा था, और इसमें पहले भी 29 अगस्त को वहाँ काशीपुर रेंज में 12 वाहन पकड़े गए थे जो उपखनिजों का अवैध अभिवहन कर रहे थे। उसके बाद भी लगातार उस क्षेत्र से इस तरह के वाहन जो संलिप्त थे उनको पकड़ा जा रहा था विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा। तो वहाँ पे जो एक फॉरेस्ट गार्ड और वहाँ के जो काशीपुर रेंज के रेंज ऑफिसर हैं उनको मुख्यालय से संबद्ध किया गया है, और इसमें लगातार जो भी शिकायतें आ रही हैं उसके आधार पे त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार चर्चाएं हैं, आपके पास भी सूत्रों से पता लगा होगा कि आपके तबादले को लेकर भी बहुत सारे जो माफिया हैं वो जोर लगा रहे हैं, क्या कहते हैं सर? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो एक अधिकारी होते हैं उनको अपने नियमों के दायरे में रहते हुए जो उनके दायित्व हैं उनका निर्वहन करना चाहिए और नियमों का पालन करते हुए, और वही जो है यहाँ पे किया जा रहा है। सर, पिछले 2 महीने की बात करें, 2 महीने से आप यहाँ पर तैनात हैं, तो कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? देखिए, इसमें लगातार जो भी शिकायतें आ रही हैं, चाहे अवैध पातन की घटनाएँ हों या वन्य जीव का अवैध शिकार का प्रकरण हो या फिर अवैध खनन या अवैध अभिवहन का, तो उसमें जो भी सूचनाएं आती हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है, और अभी तक लगभग 80 वाहनों को सीज किया गया है, और इसमें कई आरा मशीनों को भी सील किया गया है, और वन्य जीव के अवैध शिकार के प्रकरण में भी कार्रवाई की जा रही है, कई गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनको भी उनकी भी हिस्ट्री सीट बना के पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है कि उसको गैंगस्टर एक्ट में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग इस तरह से संगठित होकर इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो पूर्व में देखा गया कुछ दिन पूर्व कि फील्डरों द्वारा आपके विभाग के कर्मचारियों को घेरा गया, उनके विरुद्ध सर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, इस तरह से जो यहाँ पे संज्ञान में आया है कि जो कुछ लोग संगठित होकर विभाग के जो कार्मिक होते हैं उनकी फील्डिंग करते हैं और उनके जो भी गतिविधि होती है उनके मूवमेंट की सूचना जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो अवैध खनन में लिप्त लोग हैं उनको साझा करते हैं, तो इसके लिए भी एक पत्र लिखा गया है पुलिस विभाग को, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो भारतीय दंड संहिता है और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसके अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। तो पुलिस विभाग को लिखा गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इस तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जब कार्रवाई करते हैं तो सारा फोन भी आते होंगे, तो कैसा दबाव रहता है सर, कितना दबाव रहता है? देखिए, जो भी इसमें नियमों के अनुसार जो कार्रवाई अपेक्षित होती है वही कार्रवाई की जाती है, और इसमें इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो एक अधिकारी को यहाँ पे जो सरकार के बनाए गए नियम हैं उनका फील्ड लेवल पे अनुपालन कराने के लिए उनका दायित्व होता है उसको अच्छी तरह से कराना, और वही किया जा रहा है। सर, कई ट्रांसपोर्टर खुश भी हैं आपके आने से, उन्हें लगता है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार अगर दापका की बात करें, कई क्षेत्रों की हम बात करें जहाँ पर से उपखनिज होता है, तो वहाँ पर वो ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर ये अधिकारी यहाँ पर रहते हैं तो हम इस बार हम कमाई कर पाएंगे, क्या कहना चाहते हैं उन ट्रांसपोर्टरों से आप? हमारा रोल है कि जो सरकार के बनाए गए नियम हैं, जो लॉ हैं, रूल्स हैं, उनको फील्ड लेवल पे उनका इन्फोर्समेंट जो है कानून के दायरे में रहते हुए सही तरह से कराया जाए, और सरकार के जो हित हैं, सरकार के राजस्व की हानि ना हो, तो उसको किया जाना जो है सुनिश्चित किया जाना, ये हमारा दायित्व है, और उसी को जो है जितने संसाधन हैं उसका सही उपयोग करते हुए किया जा रहा है।
आयकर विभाग के पास उतने बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और जब आप लोग पुलिस से सहायता लेते हैं तो पुलिस प्रशासन से क्या सहायता मिल पाती है उस तरीके से? देखिए, इसमें लगातार पत्र लिखा जाता है और उनसे भी कई इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो उनको भी किया गया और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनसे वार्ता की जाती है, तो इसमें उनसे सहयोग मिलता है, कार्रवाई की जाती है। ट्रांसपोर्टर इस तरीके से खुश हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है चोरी नहीं हो रही है, और उन्हें उम्मीद है कि इस बार चोरी नहीं होगी। उसी का क्वेश्चन सर हम आपने आपसे किया था सर। देखिए, पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी जो हमारे खनन क्षेत्र हैं, जो हमारे वन निगम के जो गेट हैं, तो उससे जो खनन होता है वो सही तरीके से हो और इसमें अवैध खनन की घटनाओं को रोका जा सके, ये वन निगम की भी जिम्मेदारी है, वन विभाग की भी जिम्मेदारी है और पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी है। तो सबके संयुक्त प्रयास से इसको इस बार जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। सर, इस बार क्या उम्मीद लगती है जब तक रहेंगे खनन माफियाओं को, कुछ कहना चाहते हैं जो चोरी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, या उपखनिज का जो परिवहन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, चाहे अवैध खनन हो या अवैध पातन हो, जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि नियमों के अनुसार सही नहीं है या अवैध हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। सब वन विभाग की बात कर रहे हैं तो कई जगह अभी भी पातन की शिकायतें लगातार मिलती हैं और कई जगह पातन की हम पत्रचारों के माध्यम से भी सुनते हैं, तो सर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगलों को हम बचाने की तो बात करते हैं तो लगातार घटनाएं सामने आती हैं, तो इसको बचाने के लिए सर क्या किया जाएगा? देखिए, जो तराई का क्षेत्र है, ये चाहे फॉरेस्ट में देखें तो जो यहाँ की प्लांट डाइवर्सिटी हो या फिर वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी हो या इन जनरल जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके एंगल से ये काफ़ी समृद्ध है और चूँकि क्षेत्र जो है आबादी से भी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो वन विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है कि इस तरह जो हमारे पास जो भी स्टाफ हैं उनसे नियमित गश्त कराई जाए और जो हमारी रात्रि गश्त होती है या फिर मानसून में का भी समय है तो मानसून पेट्रोलिंग में भी इस तरह की लंबी दूरी की गश्त कराई जाती है, तो इसके माध्यम से इन चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। कुछ चौकियाँ भी आपके द्वारा बढ़ाई गई हैं, क्यों बढ़ाई जा रही हैं सर वो चौकियाँ? देखिए, तराई पश्चिमी वन प्रभाग में कई कुछ निकासी बैरियर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे जो ट्रांजिट पास है उनको चेक किया जाता है। अब चूँकि ये काफ़ी पुराने हैं और उसके बाद काफ़ी नए रास्तों का निर्माण हुआ है, तो चूँकि इनको नियंत्रित किया जा सके अवैध अभिवहन, वन उपज के अवैध अभिवहन की घटनाओं को, तो इसके लिए जरूरी था कि कुछ नए रास्ते पे भी जो है बैरियर बनाया जाए और इसके लिए एक प्रस्ताव बना के भेजा गया था, तो वन संरक्षक महोदय द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है। तो अब जो कुल 8 ऐसे नए बैरियर जो हैं स्थापित किए गए हैं। सर, कई पातन की शिकायतों में या फिर खनिज परिवहन में या चोरी में सर आपके विभाग के भी कई कर्मचारी या अधिकारी की भी संलिप्तता भी पाई जाती है? देखिए, इसके लिए नियमों में प्रावधान है, तो अगर इस तरह की कोई मामला इस तरह का संज्ञान में आता है तो उसमें जांच कराई जाती है और अगर कोई कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसमें फिर जो इनकी अनुशासन नियमावली है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो अभी हमारे साथ थे तराई पश्चिमी के डेपो कुंदन कुमार जी, जिन्होंने साफ कर दिया है और एक चेतावनी भी है कि वो इस बार रामनगर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जो अवैध उपखनिज या पातन को नहीं होने देंगे जब तक भी यहाँ पर हैं। रामनगर से उत्तराखंड की आवाज़ के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।